लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साध्वी रेप केस में सजा काट रहा रेपिस्ट राम रहीम डेरे हड्डियों का बैंक खोलना चाहता था। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। इस बोन बैंक को शाह सतनाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास ही बनाया जाना था। साल के शुरुआती महीने में ही बोन बैंक को लेकर काम शुरू हो गया था और तो और कई मशीनें भी खरीद ली गयी थी। 2 महीने पहले जुलाई में डेरा सचा सौदा में एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें राम रहीम ने सार्वजनिक रूप से हड्डियों का बैंक बनाए जाने की घोषणा भी की थी। इस दौरान कुछ एनजीओ ने मिलकर बैंक के लिए 25 और 50 लाख रुपए और दान में भी दिए थे। बोन बैंक के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कोई परमिशन डेरे को नहीं मिली है। यहां तक कि स्किन बैंक के लिए भी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे में मिला स्किन बैंक अवैध पाया गया है। 2 साल पहले ही शुरू है स्किन बैंक की यह फैसिलिटी, अब तक देश में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन इस बैंक को शुरू कर दिया गया और डॉक्टरों की हेल्प से लोगों से स्किन दान में लेनी भी शुरू कर दी। दान में मिली स्किन से कितने लोगों को फायदा पहुँचा, इस बात के रिकॉर्ड का भी कोई पता नहीं चल पाया है। बाबा के हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए भरवाए जाने वाले फॉर्म से रिलेटेड दस्तावेज भी पूरे नहीं है। इन पेपर्स में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करता है और उसका